हेलो डियर लर्नर्स ये हमारा दिस सेंटेंस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इस लेक्चर में आज हम सेंटेंस को जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे करेंगे और साथ ही साथ में हम यहाँ से एक इंट्रोडक्शन भी लेकर चलेंगे कि जो भी हमने ये लास्ट लेक्चर्स में और इस चैप्टर में सीखा है अभी तक वो हमें किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को समझने में उनका अप्लाई करने में किस तरीके से मदद करेगा और ये चैप्टर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि फंडामेंटल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका यही है जब हम आगे आने वाली क्लासेस में ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ेंगे और उनको सीखेंगे चाहे वो प्रपोजिशन चाहे डिटर्मिनर्स नॉन फनेट वर्ब्स हों टेंस हों चाहे वॉइस नरेशन हो चाहे कंडीशनल्स तो उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके जो यूशेज होते हैं उनका बेसिस क्या है उसका इंट्रोडक्शन आज आपको इस लेक्चर में तो ये जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसमें हम बेसिकली दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे एक टॉपिक हमारा ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और दूसरा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ करेक्शन ऑफ अ सेंटेंस कि किसी भी सेंटेंस के सही या गलत होने का बेसिस क्या होता है हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सेंटेंस गलत होगा या सही होगा तो पहला टॉपिक इस लेक्चर का जो है उसको आज आप डिस्कस कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ देंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जैसा कि हमने द सेंटेंस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में यह डिस्कस किया था कि सेंटेंसेज को अगर हम उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो फाइव टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं लेकिन अब चूंकि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं सेंटेंस के कॉन्सिक्वेंट्स को समझ चुके हैं और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम सेंटेंस टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है उनको भी समझ सकते हैं और हमें समझने भी हैं तो अगर हम सेंटेंसेस को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें तो सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं ये हमें समझना आ जाइए एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा Kamal did not object to anything. Mohan invited all of them. But some of them didn't arrive, but some of them were absent. <coughs> I can help you. फ यू टेल मी दॉब्लम अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है कमल और एक उसका प्रेडिकेट है इंट ऑब्जेक्ट टू एनी थिंग इसके बाद में अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट है मोहन और उसका प्रेडिकेट है इनवाइटेड ऑल ऑफ देम ये प्रेडिकेट है. फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है सम ऑफ देम और प्रेडिकेट है वर एबशेंट यहां पर हमारा सब्जेक्ट है आई और कैन हेल्प यू इसका प्रेडिकेट है <coughs> आई सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया कैन हेल्प यू यू सब्जेक्ट है टेल मी द प्रॉब्लम उसका प्रेडिकेट है मोहन इनवाइटेड ऑल ऑफ देम ये मेन क्लॉज है आई कैन हेल्प यू ये मेन क्लॉज है बट सम ऑफ देम वर एबसेंट ये कॉर्डिनेटिंग क्लॉज है क्योंकि सेंटेंस में जो हमने कंजेंसन यूज किया है वो बट है जो कि कॉर्डिनेट कंजेंसन होता है और यहाँ पर जो हमने लिखा है इफ यू टेल मी द प्रॉब्लम ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है यहां पर जो हमने कंजंक्शन यूज किया है वो कबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इफ <coughs> यहां पर कोई क्लॉज नहीं है इट इज जस्ट अ सेंटेंस कमल डिट ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग जो है वो क्लॉज नहीं है क्लॉज द पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है ठीक है कमल डिंट हेल्प ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग वो किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है दैट इज अ सेंटेंस इट्स वो खुद ही एक सेंटेंस किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो हम उसको क्लॉज नहीं कहें तो यहां पर जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं अगर हम इनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक सिंगल क्लॉज सेंटेंस है एक सिंगल क्लॉज है जो सेंटेंस का, का काम कर रही है किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है ठीक है तो इसे हम कहेंगे सिंगल क्लॉज सेंटेंस तो ये एक सिंगल क्लॉज सेंटेंस है कहेंगे सेंटेंस क्लॉज नहीं कहेंगे ठीक है क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो इसमें है बट ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो इसीलिए हम इसको सेंटेंस ही कहेंगे लेकिन मोहन इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम जो है ये सेंटेंस नहीं है सेंटेंस का पार्ट है तो ये क्लॉज है मेन क्लॉज ठीक है आई कैन हेल्प यू ये भी सेंटेंस नहीं है ये एक सेंटेंस का पार्ट है तो एक क्लॉज है मेन क्लॉज इफ यू टेल मी द प्रॉब्लम सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है क्योंकि इफ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट सम ऑफ देम वर एबसेंट ये हमारी कॉर्डिनेटिंग क्लॉज है क्योंकि बट कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो अब आपको समझना ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक उनका प्रेडिकेट होता है इन्हें हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक सब्जेक्ट होता है एक मेन क्लॉज होती है और एक एक से ज्यादा कॉर्डिनेटिंग क्लाजेस होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस तो ये कंपाउंड सेंटेंस। sentence. ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक मेन क्लॉज होती है और एक एक से ज्यादा एक एक-एक से ज्यादा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैटेगराइज करें तो सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंप्लेक्सेंटेंस यहां पर एक डाउट है जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आ सकता है कि अगर हमने कोई सिंगल क्लॉज सेंटेंस लिखा है जिसमें कोई अलग अलग क्लॉजेस नहीं तो वो सिंपल सेंटेंस है इजी है याद रहेगा कोई एक सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज है और एक या एक से ज़्यादा कॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल है कंपाउंड uh, है याद रहेगा अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक मेन क्लॉज है और उसके साथ में एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है तो ये भी याद रहेगा लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमको एक सेंटेंस लिखें जिसमें मेन क्लॉज तो होगी ही मेन क्लॉज तो हमेशा होती है हर एक सेंटेंस में और मेन क्लॉज के साथ में कॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी हो तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहें सिंपल कह नहीं सकते ठीक है अब चूंकि उसमें कॉर्डिनेट क्लॉज भी है सबॉर्डिनेट क्लॉज भी है तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहें तो देर आर सम स्कॉलर्स कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो एक फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जस्टिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि वो सिंपल कंपाउंड मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ठीक है और आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट टर्म मैं उस टर्म के फेवर में नहीं मैं, मैं का मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ यूनिंग

ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है तो अगर हम कभी किसी ऐसे सेंटेंस को जिसमें मेन क्लॉज कॉर्डिनेट क्लॉज और सबॉर्डनेट क्लॉज तीनों टाइप के की क्लॉजे उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से क्या कहें ये हम पहले से डिसाइड करके नहीं बैठ सकते कि हम उसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कह देंगे वो एक स्केप रूट होता है कि लोग चीजों को डिस्कस करने से या समझने समझाने से बचने के लिए वो रूट पकड़ पकड़े क्योंकि गलत है हमें लॉजिक के साथ में लैंग्वेज को समझना चाहिए जिससे कि आगे जाने पर हमें कंफ्यूजन डाउट्स ना हो और जब जरूरत पड़े तो हम अपनी नॉलेज का यूज करके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को समझ पाएं वो हम तभी सीख और समझ पाएंगे जब हम फंडामेंटल से क्लियर होते हुए आगे बढ़ेंगे अगर हम फंडामेंटल्स में ही कन्फ्यूजिंग चीज़ें छोड़ देंगे और उनको प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे डिस्कस करेंगे तो आगे जाने पे हमें कन्फ्यूजन और डाउट्स पक्के ही हो जाने तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके की सिचुएशन में आप सेंटेंस का टाइप कैसे डिटर्मिन करें देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं <coughs> मैंने एक सेंटेंस लिखा मैंने एक सेंटेंस लिखा कमल पेंट से एंड रिटर्न होम आफ्टर द मैच वॉज ओवर दूसरा सेंटेंस हमने लिया <coughs> will help you when you meet him and he believes. <coughs> अब आप यहां पर देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा कमल वेंट देयर एंड ही रिटर्न होम आफ्टर द मैच वॉज ओवर कमल विल हेल्प यू वेन यू मीट हिम एंड ही बिलीवस यू अब आप समझिए कमल वेंट देयर मेन क्लॉज कमल विल हेल्प यू मेन क्लॉज ये हमारे इन सेंटेंसेस की मेन क्लॉजेस होगी एंड ही रिटर्न होम कॉर्डिनेटिंग क्लॉज आफ्टर द मैच वॉज ओवर कबॉर्डिनेटिंग क्लॉज वेन यू मीट हिम कबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एंड ही बिलीवस यू कोर्डिनेटिंग क्लॉज तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सेंटेंसेज हैं इनमें हमने मेन क्लॉज कॉर्डिनेट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज तीनों टाइप के क्लॉजेस लिखे अब ऐसे ही सेंटेंसेस को कुछ बुक्स और कुछ ऑथर्स कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह के जस्टिफाई करते हैं जो कि इलॉजिकल है जिसमें कोई भी सेंसिबल बात नहीं वो केवल एक स्केप रूट है चीज़ों को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने से बचने के लिए या से बचने के लिए लोग उस स्कैप रूट को लेते हैं हमें उस पर नहीं जाना है हमें लॉजिकली ही चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है जो लॉजिकली करेक्ट है और सही है अब देखिए ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें है क्या ये हमारी मेन क्लॉज है और इस मेन क्लॉज के साथ में हमने कॉर्डिनेट क्लॉज लिखी है तो ये जो क्लॉज है ना ये यूज हो रही है मेन क्लॉज के लिए लेकिन उसके बाद जो हमने सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है तो वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज के लिए नहीं यूज हो रही है अब ध्यान से देखिए वो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि कॉर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखे गए एक्शन के होने का टाइम है जैसे हमने कॉर्डिनेट क्लॉज में लिखा एंड ही रिटर्न होम और वो घर वापस आ गया वेन डी डी रिटर्न हो कब घर वापस आ गया यह बताने के लिए हमने एक एडवर्ब क्लॉज लिख दी तो ये एडवर्ब क्लॉज यूज की गई है मेन क्लॉज के रेस्पेक्ट में नहीं है कॉर्डिनेट क्लॉज के रेस्पेक्ट में यूज हो रही है आफ्टर द मैच वॉज ओवर तो आफ्टर द मैच वॉज ओवर ये जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है ये एक्चुअली एक एडवर्ब क्लॉज है जो मेन क्लॉज की वर्ब को नहीं कॉर्डिनेटिंग क्लॉज की वर्ब रिटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है कॉर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो रिटर्न है उसके होने का जो टाइम है वो हमने उस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज में लिखा है अब यहाँ जाते हैं यहाँ हमने लिखा कमल विल हेल्प यू कमल आपकी मदद करेगा वैन वेन विल ही हेल्प मी कब करेगा वो मेरी मदद तो ये बताने के लिए हमने लिखा वैन यू मीट हिम जब तुम उसे मिलोगे तब तो यहाँ पर जो हमने सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है वो हमारी मेन क्लॉज के एक्शन के होने का टाइम है तो ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज भी एडवर्ब क्लॉज है और ये मेन क्लॉज के लिए यूज की गई है और ये जो हमने कॉर्डिनेटि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है जो कि मेन क्लॉज के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम है इसी के साथ हमने एक कॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिख दी है वेन यू हिम एंड यू बिलीव यू जब तुम उसे मिलोगे और वो तुम्हें बिलीव कर लेगा तब मतलब दो काम होंगे एक तो तुम उसे मिलोगे और वो तुम्हें बिलीव कर लेगा तब वो तुम्हारी मदद करेगा तो ये जो हमने कॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी ना ये हमने मेन क्लॉज के लिए नहीं यूज की ये हमने यूज किए इस सबऑर्डिनेटिंग तो जब दो काम हो जाएंगे कौन से दो काम एक वेन यू मीट हिम एंड वेन यू बिलवसी और वो तुम्हें बिलीव कर लेगा तब हमने वेन को रिपीट करके नहीं लिखा है अगर हम चाहें तो वेन को एंड के बाद लिख सकते हैं कमल विल हेल्प यू वेन यू मीट हिम एंड वेन ही बिलीव यू बट हम वेन को रिपीट नहीं कर रहे हैं वो अंडरस्टूड है यहाँ पे एक वेन कंजेंसन तो ये जो एंड हमने कंजेंसन यूज़ किया ना वो हमने इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ में क्लॉज को करने करनी है ना कि मेन क्लॉज के साथ में तो जब ये बारीकी आपको समझ में आ जाएगी तो देखिए यहाँ पर हमने मेन क्लॉज के साथ में कॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है फिर बाद में उस कॉर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए भले कोई एडवर्क क्लॉज लिखी हो तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड क्योंकि मेन क्लॉज के लिए यूज की गई क्लॉज जो है वो कॉर्डिनेट है यहां पर हमने मेन क्लॉज के लिए जो यूज किया है क्लॉज वो सबॉर्डिनेट है फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज के लिए भले हमने कॉर्डिनेट क्लॉज लिख दिया तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स तो कुल मिला के अगर कभी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए ठीक है जिसमें मेन क्लॉज के साथ कॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट दोनों क्लॉजेस लिखे तो वो भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ही होता है देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आप ही देखिए कि मेन क्लॉज के लिए जो आपने दूसरी क्लॉज यूज की वो कॉर्डिनेट है या सबॉर्डिनेट है अगर वो सबॉर्डिनेट है तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है अगर वो कॉर्डिनेट है तो सेंटेंस आपका कंपाउंड है फिर भले ही आप कॉर्डिनेट क्लॉज के लिए कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज कर लीजिए या सबॉर्डिनेट के लिए कॉर्डिनेट क्लॉज यूज कर हम समझ लेते हैं हमने यहां पर दो सेंटेंस लिखे एक सेंटेंस लिखा माय फ्रेंड पिस्टेड मी लास्ट वीक एंड गिफ्टेड मी दिस वॉच या दिस फोन सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा मोहन एंड ऑल हिज फ्रेंड्स हैव टू द सिटी और एक और सेंटेंस Nobody can लिव this hotel after the sunset. अब हमें इन सेंटेंसेस के टाइप्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये कैसे सेंटेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन तीनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं। बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये तीनों कैसे सेंटेंस है ये हमें समझना है तो आप वीडियो को 10-20 सेकंड के लिए पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हैं फिर मैं आपको चाहता हूँ माय फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक एंड गिफ्टेड मी दिस फोन अब यहां देखिए माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया विजिटेड मी लास्ट वीक प्रेडिकेट हो गया माई फ्रेंड के बारे में बताई गई बात है गिफ्टेड मी दिस फोन ये भी एक प्रेडिकेट हो गया अब यहां पर आप देखोगे तो हमने एंड कंजंक्शन से जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो प्रेडिकेट्स जोड़ रखे हैं। और दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है यह प्रेडिकेट वन है यह प्रेडिकेट टू है और दोनों प्रेडिकेट्स का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है यहां पर आ जाते हैं मोहन सब्जेक्ट है ऑल हीज फ्रेंड्स ही सब्जेक्ट है यहां पर हमने एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रखे हैं और दोनों सब्जेक्ट का एक कॉमन प्रेडिकेट है सिटी तो यहां आप देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि दो प्रेडिकेट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है दूसरे में क्या है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट subject, दो सब्जेक्ट हैं और उनका एक कॉमन प्रेडिकेट है तो ये क्लॉजेस नहीं है क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग हो ठीक है यहां पर क्या है कि प्रेडिकेट तो अलग अलग हैं बट उनका सब्जेक्ट कॉमन है ठीक है यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन उनका प्रेडिकेट कॉमन है तो अगर सब्जेक्ट भी अलग हो और उसका प्रेडिकेट भी अलग हो तो वो क्लॉज होती है ये क्लॉजेज नहीं है ये सिंगल क्लॉज सेंटेंसेस हैं ये जो ए और बी एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे सिंगल क्लॉज सेंटेंसेज तो ये दोनों ही सिंपल सेंटेंस ये भी सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल अब इसमें आपको समझना ये है कि अगर हम कभी किन्हीं दो प्रेडिकेट्स को किसी कंजंक्शन से जोड़कर एक साथ में यूज करें तो हम इसको कह देते हैं है, कंपाउंड प्रेडिकेट सेंटेंस नहीं कंपाउंड है केवल प्रेडिकेट कंपाउंड हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट उसका कॉमन है अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग होते तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता बट अभी ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है अभी ये कंपाउंड प्रेडिकेट है उसी तरीके से अगर हम कभी किन्हीं दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को किसी कंजंक्शन से जोड़कर एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज कर लें तो हम इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट तो मोहन एंड ऑल इज फ्रेंड्स जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसका कॉमन प्रेडिकेट है हैव गॉन टू द सिटी ठीक तो यहां पे कंपाउंड सब्जेक्ट है कंपाउंड सेंटेंस नहीं यहां पर कंपाउंड प्रेडिकेट है कंपाउंड सेंटेंस नहीं सेंटेंस दोनों ही सिंपल ये भी सिंपल ये भी सिंपल अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो नो बडी है ठीक है है कैन लिव दिस होटल आफ्टर सनसेट ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। अब यहां एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आप समझ पा रहे होंगे नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ जाओगे ये जो आफ्टर द सनसेट हमने लिखा है अगर हम आफ्टर को कंजंक्शन और द सनसेट को क्लॉज मान लें तो ये

लेकिन अभी क्या है जो द सनसेट हमने लिखा है ये सनसेट एक सिंगल वर्ड है और इस सिंगल वर्ड से पहले हमने द आर्टिकल लिख रखा है आर्टिकल्स नाउन के साथ लिखे जाते हैं तो इसका मतलब द सनसेट एक नाउन है ठीक है और ये जो द सनसेट है ये एक नाउन फ्रेज है जो तो कि इस आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्योंकि तो नाउन जो होते हैं वो या तो सब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं अभी जो द सनसेट है सब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके बाद में इसका प्रेडिकेट लिखा होता तो तो ये सब्जेक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपोजिशन के होते हैं ठीक है आफ्टर वर्ब है नहीं क्योंकि आफ्टर कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो ये प्रेपोजिशन है तो आफ्टर द सनसेट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये कोई क्लॉज नहीं है ध्यान रखना है तो आफ्टर है बिफोर है अनटिल है ये वर्ड्स हमारे प्रपोजिशन भी होते हैं और कंजेंशन भी होते हैं अगर हम इनके बाद में कोई क्लॉज लिखें क्लॉज का मतलब जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों प्रेडिकेट का मतलब जिसमें कोई मेन वर्ब हो

तो ये आपके तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को लेकर भी आप ध्यान रखेंगे आज अब यहाँ पर आपके लिए ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेज लिखे हुए हैं और इन एग्जाम्पल सेंटेंसेज का आपको टाइप बताना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स किस तरीके के सेंटेंस हैं ये आपको बताना है आप वीडियो को 10-20 सेकंड के लिए पॉज करके अपना ट्राई कीजिए मैं आपको समझ अब देखिए द एथलीट प्रैक्टिस हार्ड फॉर इयर्स एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द एथलीट हमारा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस हार्ड फॉर इयर्स ये प्रेडिकेट है कि उसने सालों तक खूब मेहनत की वॉन द फर्स्ट प्राइज और फर्स्ट प्राइज जीत गया ये भी प्रेडिकेट है ये भी बात एथलीट के बारे में ही बताई जा रही है तो यहां पर हमने दो प्रेडिकेट्स लिखे हैं एंड से कनेक्ट करके तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया और इन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है तो अगर इन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है ठीक है तो ये अलग अलग क्लॉज तो ही नहीं ये ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस सेंटेंस हो हो गया तो ये हो गया तो आपका सिंपल ठीक है और प्रैक्टिस हार्ड फॉर इयर्स एंड वन द फर्स्ट प्राइज जो है आपका कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया लेकिन सब्जेक्ट सेंटेंस आपका सिंपल रह गया नेक्स्ट में देखिए सम गेस्ट अराइव्ड आफ्टर द स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट अब यहां देखिए कि जो आफ्टर हमने लिखा ये है ये प्रेपोजिशन है स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट ये इस पूरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये कोई क्लॉज नहीं है ध्यान से देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है द चीफ ऑफ द चीफ द स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट एक नाउन फ्रेज है जो कि इस आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हुआ सम गेस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया स्पीच ऑफ दीफ गेस्ट उसका प्रेडिकेट हो गया कि कुछ गेस्ट थे वो चीफ गेस्ट की स्पीच के बाद में आए तो एक सब्जेक्ट है एक उसका प्रेडिकेट है सिंगल क्लास सेंटेंस है तो यह भी आपका सिंपल है। आते हैं लिखा हिज पेरेंट्स अग्रीड बिकॉज ऑफ देंस फ्रॉम हिस्स कोच बिकॉज ऑफ है ना ये प्रेपोजिशन होता है अगर आप पहले से नहीं जानते तो आगे हमेशा ध्यान रखिएगा बिकॉज कंजेंशन होता है बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है एश्योरेंस फ्रॉम हिज कोच यह एक नाउन फ्रेज है और यह नाउन फ्रेज इज बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ठीक है तो बिकॉज ऑफ दश्योरेंस फ्रॉम हिज कोच यह एक हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है अग्रीड बिकॉज ऑफ द एश्योरेंस फ्रॉम हिज कोच यह उसका सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है तो यहां पर भी हम देख रहे हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट है इस पेरेंट्स और एक उसका प्रेडिकेट है मतलब सिंगल क्लॉज में लिखा गया सेंटेंस है कोई अलग अलग क्लॉजेस नहीं है ये सेंटेंस भी आपका सिंपल नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस देखिए अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सेंटेंस हैं आपके लिए इनका भी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है आपको वीडियो आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई कर लीजिए चलिए आ जाइए समझते हैं देखिए बिफोर ही कुड इवन मूव द क्रिमिनल्स हैड एस्केप्ड अब यहां पे देखिए द क्रिमिनल्स सब्जेक्ट हो गया इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं मुझे लगता आप लोग ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की तो आप ऐसे समझ जाएंगे द क्रिमिनल हैड एस्केप्ड मेन क्लॉज है द क्रिमिनल सब्जेक्ट है हैड एस्केप्ड उसका प्रेडिकेट है ठीक है बिफोर ही कुड इवन मूव ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का कंजंक्शन बिफोर है ही सब्जेक्ट है कुड इवन मूव उसका प्रेडिकेट है तो यहां पर एक हमारे पास सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो सॉरी एक मेन क्लॉज है एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो ये सेंटेंस हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स तो ये हमारी मेन क्लॉज हो गई आई सब्जेक्ट हो गया लाइक रीडिंग बुक्स उसका प्रेडिकेट हो गया आपकी मेन क्लॉज हो गई बट ही लाइक्स वॉचिंग मूवीज ही सब्जेक्ट हो गया लाइक्स प्रेडिकेट हो गया बट कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया तो ये अब चूंकि हमने यहां पर एक मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिख रखी है तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड ठीक है नेक्स्ट देखिए नो सूनर डज द सन राइज देन माई फादर लिवस बेट अब यहां पर देखिए समझिए नो सूनर डज द सन राइज ये हमारी मेन क्लॉज है मेन क्लॉज में लिखी गई वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी हुई है अभी आप नहीं समझते होंगे ये टॉपिक आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक है इनवर्जन ठीक है तो नो सूनर डज द सन राइज में द सन जो है वो आपका सब्जेक्ट है राइज जो है वो मेन वर्ब है फाइनाइट वर्व है नो सोनर एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसको इम्फिसाइज करने के लिए एट द बिगनिंग ऑफ द क्लॉज लिख दिया गया है और उसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म इस वजह तो मेन क्लॉज है my father leaves bed. Conjunction होता है तो ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है और इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज का कंजंक्शन दैन है इसका बर्थ था और इसमें था इस इसमेंटिंग क्लॉज का सब्जेक्ट है माई फादर लीव्स बेड उसका predicate है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक मेन क्लॉज है और एक कबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो गया सम मोर एग्जाम्पल सेंटेंसेस कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं इनको भी एक बार आप अटेम्प्ट करें इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को पढ़ें पढ़कर इनका स्ट्रक्चर समझकर ये बताएं कि ये लिखे गए सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस सिंपल हैं कंपाउंड हैं या कॉम्प्लेक्स वीडियो को पॉज करके दस बीस सेकेंड के लिए आप अपने आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं आपको समझ आज ये ट्राई करते हैं आई शेल मेट द मैन हुम यू हैव चूजन दिस टाइम आई शेल मेट द मैन ठीक अब देखिए आई शेल मेट द मैन ये मैन क्लॉज है आई सब्जेक्ट है शेल मेट द मैन उसका प्रेडिकेट है हुम यू हैव चूजन दिस टाइम र्ड कंजंक्शन का काम कर रहे तो जब भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कंजेंशन का काम करते हैं तो ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई यू सब्जेक्ट हो गया है प्रेडिकेट हो गया तो, तो यहाँ पर एक मेन क्लॉज है और उसके साथ में एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि एब्जेक्टि काम कर रही है तो ये सेंटेंस आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट देखिए हिज एनिमीज अटैक हिम एंड हिज फ्रेंड्स डिफेंड हिम हिज एनिमीज अटैक हिम मेन क्लॉज हो गई हिज एनिमी सब्जेक्ट हो गया अटैक हिम उसका प्रेडिकेट हो गया एंड हिज फ्रेंड्स डिफेंड हिम हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट हो गया डिफेंड हिम प्रेडिकेट हो गया एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई अब यहां पर हमने एक मेन क्लॉज लिखी है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो गया नेक्स्ट थ्योरी दैट नथिंग इज परफेक्ट इज गेनिंग पॉपुलरिटी अब यहां देखिये द थ्योरी सब्जेक्ट है द थ्योरी सब्जेक्ट है इज गेनिंग पॉपुलरिटी उसका प्रेडिकेट है द थ्योरी इज गेनिंग पॉपुलरिटी ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है जो की मेन क्लॉज है क्योंकि इसको हमने बिना कंजंक्शन के लिखा है दैट नथिंग इज परफेक्ट दैट नथिंग इज परफेक्ट ये जो हमने लिखा है ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है कंजंक्शन है और ये क्लॉज पे नाउन का काम कर रही है है ठीक केस इन ऑपोजिशन में यूज की गई है थ्योरी के लिए तो दैट नथिंग इज परफेक्ट जो है ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है क्योंकि इसका कंजंक्शन दैट है जो कि एक सबॉर्डिनेटिंग subordinating... तो अगर ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है और वो मेन क्लॉज है तो ये सेंटेंस हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स तो हमने अब सेंटेंस के टाइप्स को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फंक्शन दोनों तरीके से समझना सीख लिया है और हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस के टाइप्स को सेंटेंस के कॉन्स्टिटेंट्स को उनके टाइप्स को और उनके फंक्शन को अब हमारा इस लेक्चर का सेकेंड टॉपिक इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं सिंटेक्स कॉन्टेक्स्ट ठीक यहां पर हम ये समझेंगे कि सिंटेक्स और कॉन्टेक्स पहले क्या होता है पहले आप यह समझ लीजिए फिर हम ये समझते हैं कि ये हमें अब अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए तो हमारा द सेंटेंस चैप्टर है ये सेंटेंस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है आपका और इससे पिछले सारे लेक्चर्स में हम सेंटेंस को समझा मीनिंग वाइज उसको समझा उसको उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर वाइज उसके कॉन्स्टिटेंट टाइप्स उनके फंक्शन ये सारी चीजें अब हम सेंटेंस को एज अ होल एज अ कंप्लीट यूनिट अब डील कर सकते हैं तो अब जरूरत है कि सेंटेंस के साथ में हम कॉन्टेक्स्ट को भी इंक्लूड करें तब फिर हमारी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है ये क्रिस्टल क्लियर होगी सारे डाउट सारे कन्फ्यूजन सब तो अपने आप खत्म हो जाएंगे और जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा हमें समझ आएगा और बहुत अच्छा याद रहेगा और हमें उसमें कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होंगे आगे अगर ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं क्रिस्टल क्लियर चलिए तो सबसे पहले समझते हैं सिंटेक्स क्या है सिंटेक्स जो है ये आप समझ लीजिए कि द सिस्टम डिसाइड्स इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पोजीशन पर और किस फॉर्म में लिखा जाएगा मतलब ग्रामर सिंटेक्स का मतलब आप क्या मानेंगे ग्रामर तो सिंटेक्स इज सिंटेक्स इज द सिस्टम विच द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन देंटेंस तो जो ग्रामर यूजर्स हैं वो सिंटेक्स कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पर पोजिशन होगा और किस फॉर्म में यूज होगा तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट जो सेंटेंस का होता है उसको हम कहते हैं सिंटेक्स लेकिन हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है वो एक मीनिंग कन्वे करता है वो एक मैसेज होता है तो वो जो मैसेज होता है वो जिस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस मीनिंग को हम कह रहे हैं कॉन्टेक्ट तो सिंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट ये दोनों ही सेंटेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं सिंटेक्स होता है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस ग्रामिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे यूज होगा ये सिंटैक्स डिसाइड करता है वो सिस्टम कॉन्टेक्सट का मतलब है सिचुएशनल एस्पेक्ट कि जिस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए वो सेंटेंस लिखा गया है ठीक है वो सेंटेंस का कॉन्टेक्सट होती है तो सेंटेंस में दो एलिमेंट होते सेंटेंस जो है तो बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रामर और एक मीनिंग मीनिंग जो होती है वो उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है जिसके लिए वो सेंटेंस यूज हुआ है ठीक है और ग्रामर जो होती है वो ये देखती है कि जो आप कहना चाह रहे हो क्लियरली वही मीनिंग कन्वे हो प्रॉपर वे में तो सिंटेक्स और कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस के दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं की दोनों की बैलेंस स्टडी और इन्हीं दोनों के बैलेंस अप्रोच और बैलेंस एप्लीकेशन से ये डिसाइड होता है कि कोई सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को केवल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना और समझना अधूरा है कंफ्यूजन होते हैं डाउट्स होते हैं हम खूब पढ़ते हैं खूब मेहनत करते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं इसलिए इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हाउ डू वी डिसाइड वेदर सेंटेंस करेक्ट or नॉट हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई सेंटेंस सही है गलत तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि रूल से है और याद कर लेते हैं नहीं कुछ समझ में आता है, तो हम याद ही कर लेते हैं कि ये सही होता है ये गलत होता है बुक्स में लिखा होता है कई बार ठीक है तो हमारा काफ़ी कैंडिडेट ऐसा होता है ठीक है तो ये मान के चलता है कि कोई सेंटेंस सही है या गलत है इसको समझने का कोई तरीका नहीं है इसको तो सीधा याद कर लो कि भाई ये सही होता है या गलत होता है बुक्स में अक्सर लिखा भी होता है प्रेस्क्रिप्टिव टाइप की जो बुक्स होती हैं उन इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उनमें सीधे सीधे लिखा होता है ये गलत होता है ये सही होता है क्यों गलत है क्यों सही है वो उसको डिस्कस नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कोई रूल लिख देते हैं ठीक तो वो जो रूल्स हैं वो जो प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच है इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने की वो बहुत अधूरी है और बहुत ही गलत है और बहुत अनसाइंटिफिक है उसका कोई सिर पैर नहीं है क्योंकि सेंटेंस कई बार ग्रामेटिकली करेक्ट होते हुए भी गलत होते हैं और हमें उनको सही करना पड़ता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं सारे लोग समझ जाएंगे सभी तो बच्चे समझदार हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा एक किल्ड ई और बी दे किल्ड मी अब आप ये सेंटेंस देखिए दे किल्ड ही और दे किल्ड मी छोटे सेंटेंस है हमें पता करना है कि ये सेंटेंसेज जो हमने लिखे हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है क्योंकि अब हम सेंटेंस समझ चुके हैं हम सेंटेंस के पार्ट समझ चुके हैं ठीक है हम सेंटेंस की फॉर्म सेंटेंस के फंक्शन ये सब समझ चुके हैं तो अब हमें ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अब हम अपने पूरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे लाइव क्लासेस आएंगे उसमें इन दोनों चीज़ ग्रामिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस और कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस इनको एक साथ में अप्लाई कर करके तभी कंफ्यूजन और डाउट्स खत्म होंगे नहीं तो कभी नहीं खत्म ठीक है तो मैं चाहता हूं कि ग्रामेटिकली सेंटेंस को कैसे अप्रोच करना है ये आप सीख चुके हैं आपको सिखाया जा चुका अब उसमें कॉन्टेक्स्ट को भी अपनी लर्निंग में कैसे इन्वॉल्व करना है ठीक है इसको भी अब हमें कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या गलत है ये आप ग्रामर्स पढ़ के सीख जाते हो कोचिंग से सीख जाते हो किताबों से सीख जाते हो बट कॉन्टेक्चुअली लॉजिकली सिचुएशनली कोई सेंटेंस सही है या गलत है इसके लिए आपको अपने कॉमन सेंस का अपनी समझ का यूज करना आपकी समझ आपका कॉमन सेंस आपका तभी साथ देगा जब आप पहले सेंटेंस को पढ़ के समझ लोगे कि क्या कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है जो लोग सेंटेंस को समझे बगैर केवल रूल्स ठीक है रटी रटाई चीज़ों को अप्लाई करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो अपना टाइम और पैसा बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं मेहनत भी खराब कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे जरूरत है कि हम इंग्लिश को सीखते समय जो ग्रामर के फंडामेंटल्स हैं जो बेसिक्स हैं उनको तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे लेकिन साथ ही साथ में चीजों को समझने की आदत डालेंगे क्योंकि समझने के बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि लॉजिकली और कॉन्टेक्चली इस सेंटेंस का मतलब क्या है क्या ये लॉजिकल मीनिंग कन्वे कर रहा है या नहीं कन्वे क्योंकि वो भी एक एस्पेक्ट ऑफ द सेंटेंस है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम केवल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को अप्रोच करेंगे तो हमारे डाउट्स कन्फ्यूजन जिंदगी में नहीं हमें अपनी लर्निंग में एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को भी लाना पड़ेगा तभी जाके कन्फ्यूजन और डाउट्स कभी खत्म होंगे या हमें डाउट्स कन्फ्यूजन नहीं होंगे ठीक अब अगर हम इन दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स की बात करें तो दे किल्ड ही जो हमने लिखा है ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल क्यों अनग्रामेटिकल है क्योंकि यहां पर जो हमने दे लिखा है प्रोनाउन ये सब्जेक्ट है ठीक है ही जो लिखा है हमने ऑब्जेक्ट है और किल्ड वर्ब है दे और ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है पर्सनल प्रोनाउंस में केसेस होते हैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं अगर हम उन्हें एज ए सब्जेक्ट यूज करें तो उनका नॉमिनेटिव केस यूज करना पड़ता है अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज करें तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ता है दे जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है सही है लेकिन जो ही ऑब्जेक्ट है वो भी नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है ये गलत है तो ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल है मतलब इसमें हमने सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया एस्पेक्ट ऑफ सिंटेक्स गलत हो गया अब सिंटेक्स क्या syntax है सिंटेक्स है सिस्टम जिससे ये डिसाइड होता है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ पर और किस फॉर्म में यूज होगा तो हम देख रहे हैं जो ही वर्ड है ये भले ही सही पोजिशन पर लिखा हो लेकिन इसकी फॉर्म गलत है क्योंकि ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो ये नॉमिनेटिव केस में नहीं ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए जो कि इसका हिम होता है तो ये सही हो गया दे किल्ड हिम ये इजी है सभी समझते हो अब उस अप्रोच से अगर हम इस सेंटेंस को देखें दे किल्ड मी तो ये हमें सही लगेगा क्यों क्योंकि दे जो है प्रोनाउन हमारा वो सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है किल्ड हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो बिना हेल्पिंग वर्क यूज होती है ये भी सही लिखी हुई है मी जो है ये हमारा प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है ठीक है लेकिन अब हमें समझना है इसका मतलब क्या है दे किल्ड मी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसके केवल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को देखें तो ये सेंटेंस सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर हम कॉन्टेक्चुअली इसको वेरीफाई करें तो ये गलत है जस्टिफाइबल नहीं है ठीक है दे किल्ड मी उन्होंने मुझे मार डाला पास्ट इंड डेफिनेट टेंस तो इसका काम हो चुका है अगर ये काम हो चुका है तो जिसको मारा गया वो तो स्पीकर है ठीक है अगर स्पीकर मार दिया गया है तो फिर वो भी बात बता कैसे रहा है देखिए तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने के बावजूद भी ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि आपको लग रहा होगा सही है बट ये गलत है क्योंकि ये जिस मीनिंग को कन्वे कर रहा है दैट इज नॉट अ सेंसफुल मीनिंग तो ये गलत है अब हमें क्या समझना है कि जैसे कोई सेंटेंस जो है ठीक है वो सेंटेक्सली सही है गलत है वो तो हम ग्रामर पढ़ते हैं वहां से सीख जाते हैं ठीक है लेकिन कोई सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली लॉजिकली सही है गलत है उसके लिए हमें अपने कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है और कॉमन सेंस तभी आपका साथ देगा जब आप पहले सेंटेंस को पढ़ के समझो कि जो कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है वो आप कब समझ पाते हो सेंटेंस में वर्ड्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं किस फॉर्म में लिखे गए हैं कौन सी फ्रेज यूज हुई है कहाँ पर यूज़ की गई कौन सी क्लॉज यूज हुई है कहाँ पर यूज की गई उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमने पिछले क्लासेज में पढ़ी है तो आपको बस ये करना है कि उनका रट्टा नहीं मारना है उन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इन पिछली क्लासेज में उसको हमें अप्लाई कर कर सेंटेंस का मीनिंग भी समझने की कोशिश करनी है बस ये कोशिश करनी है तीन चार हफ्ते मैक्सिमम हमें और लगेंगे बहुत ज्यादा लगेंगे तो चार हफ्ते नहीं तो मैं कोशिश करूंगा दो हफ्ते में हम इस स्तर पर आ जाएं कि हम चीज़ों को अप्लाई करने लगे तो कोई भी सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है गलत है कैसे डिसाइड होता है कॉमन सेंस अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन सिचुएशन जिस को वो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन वैलिड है या नहीं है तो उस सिचुएशन में कई फैक्टर्स होते हैं ठीक है कॉन्टेक्स जो होता है वो सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है सिचुएशन में कई फैक्टर्स होते हैं पर्सन है प्लेस है पर्पज है टाइम है ठीक है वो सारे जस्टिफाइबल होने चाहिए अब जैसे हम यहां पर देखें तो ये जो हमने फर्स्ट पर्सन लिखा है अगर हम मी की जगह हिम लिख दें हर लिख दें ठीक है तो सही हो जाएगा बट तो मी के साथ ये गलत है क्योंकि ये लॉजिकल है जो कहा जा रहा है वो लॉजिकल नहीं है सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो केवल ग्रामेटिकली सही होना चाहिए जो आप कह रहे हो वो भी सही होना चाहिए जैसे कह रहे हो वो सेंटेंस की ग्रामर डिसाइड करती है क्या कह रहे हो वो सेंटेंस का मीनिंग डिसाइड करता है दोनों तो ही करेक्ट होने चाहिए जो बात आप कह रहे हो जो आप सिचुएशन कन्वे करना चाह रहे हो सेंटेंस के थ्रू वो लॉजिकल और करेक्ट होनी चाहिए और जिस तरीके से उस बात को सेंटेंस में कह रहे हो वो उसका ग्रामेटिकल ऑर्डर भी करेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर ग्रामर ओके है ग्रामर ग्रामेटिकली फॉर्म हमने सही यूज़ किया सिंटेक्स सही फॉलो हो रहा है बट लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा सही गलत हो They killed me गलत हो गया अब आप इसको कैसे सही कर सकते हो अब आप इसको सही कर सकते हो तो इसका कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट बनाइए जो कि जस्टिफाइबल हो लॉजिकल हो क्योंकि ये बात तो इलॉजिकल है तो आप कैसे लिख सकते हो देखो ऐसे लिख सकते हो ऑलमोस्ट me आप ऐसे लिख दो ऑलमोस्टमी टेंस चेंज कर दो किल्ड मी इन माई ड्रीम उन्होंने मुझे मार डाला मेरे सपने में अब किसी पर्सन ने सपना देखा कि सपने में उसको किसी ने मार डाला तो मतलब इस तरीके से आप कुछ भी बनाइए कि जो जस्टिफाइबल हो जो लॉजिकल हो दे ऑलमोस्ट किल्ड मी तो इसका मतलब नॉट कि उन्होंने मुझे लगभग मार डाला मतलब एग्जैक्टली exactly नहीं मार डाला दे विल किल मी वो मुझे मार देंगे तो इसका मतलब अभी तो मैं नहीं मरा मराऊँ अभी मैं जिंदा हूँ तो जब तक जिंदा हूं तब तक मैं बोल सकता हूँ बात कर सकता हूँ दे किल मी उन्होंने मुझे मार डाला बट नॉट इन रियलिटी इन माई ड्रीम सपने में अब सपने में आदमी मरा है असलियत में तो नहीं मरा तो वो बात कर सकता है रियलिटी में ये मैं आपको समझा कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम इस बात पे भी ध्यान दें तो मतलब क्या है क्या वो लॉजिकल है कि नहीं क्योंकि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे बहुत से करेक्शंस होते हैं बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हैं जो हमें सही करने पड़ते हैं ग्रामर की वजह से नहीं लॉजिक की वजह से सिचुएशन की वजह से क्योंकि जो सिचुएशन सेंटेंस में कन्वे की जा रही होती है वो लॉजिकल नहीं होती वो सेंसिबल नहीं होती ठीक है।, है एक एग्जाम्पल से और आप देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा माई फ्रेंड हैज फोन और मैंने लिखा माय फ्रेंड हैज नॉन लिविंग फोन और हमें यह समझना है क्या ये दोनों सेंटेंस सही से है गलत है तो देखिए माय फ्रेंड हैज फोन एक बार आप अपने आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं देखिए कि दोनों सेंटेंस से दोनों गलत है। ज फोन तो अगर हम ये देखें माई फ्रेंड हैज फोन तो ये अनग्रामेटिकल है क्यों क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंटेक्सटेक्स का मतलब ग्रामर यूज सिस्टम जो ये डिसाइड करता है सेंटेंस में कौन सा वर्ड कैसे कहाँ पर किस पोजिशन यूज होगा किस फॉर्म में यूज होगा ठीक तो so, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स जो हमारा सी सेंटेंस गलत है क्योंकि फोन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनट के नहीं यूज होता सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हमेशा किसी डिटर्मिनट के साथ यूज करना होता है तो हमने फोन जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाम वो बिना डिटर्मिनर के यूज कर रखा है तो आप इसके साथ कोई डिटर्मिनर यूज कर दीजिए ठीक है बेसिक डिटर्मिनर जो होते हैं वो आर्टिकल्स ही होते हैं आप आर्टिकल लिख दीजिए माई फ्रेंड हैज अ फोन आप ये नहीं लिखना चाहते हो कोई दूसरा डिटर्मिनर भी लिख सकते हो माई फोन लिख माई फ्रेंड हैज माई फोन माई फ्रेंड हैज दिस फोन दैट फोन कुछ भी लिख दो ठीक है सही हो गया तो ये अनग्रामेटिकल -grammatical था ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था तो हमने सही कर लिया अब इसमें आ जाते हैं माई फ्रेंड हैज़ अ नॉन लिविंग फोन अब ये देखें तो सही है तो ग्रामेटिकली सही है क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन है वो नॉन लिविंग होता है ठीक है तो हमने उसके साथ नॉन लिविंग एडजेक्टिव यूज किया है ठीक और ए जो है वो डिटर्मिनर है फोन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमने उसके साथ में डिटर्मिनर भी लिख रखा है तो ये भी सही है लेकिन वास्तव में आपको लगता है ये सही ये बात आप क्यों कहोगे कि माई फ्रेंड हैज़ ऑन नॉन लिविंग ठीक है हमने नॉन लिविंग एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया है फोन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नाउन के साथ में एडजेक्टिव हम क्यों लिखते हैं अब हमारे दिमाग में आएगा कि यह बताने के लिए नाउन कैसा है कैसा नहीं है ठीक है तो अब हमें पता है कि फोन नॉन लिविंग होता है तो हमने बता दिया कि वो नॉन लिविंग है इसलिए एक चीज क्या नॉन लिविंग के अलावा लिविंग फोन्स भी होते हैं तो हम किसी नाउन के साथ में एडजेक्टिव इसलिए केवल नहीं यूज करते हैं कि हमें ये बताना है वो कैसा नाउन है कैसा नहीं है हम एडजेक्टिव इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि जो हमारा लिसनर है या रीडर है उसको कंफ्यूजन ना रहे कि वो कौन से टाइप का फोन है कौन से टाइप की चीज़ है तो ये क्लैरिटी लाने के लिए कि कोई एम्बिगुटी ना हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम नाउन्स के साथ में डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं एडजेक्टिव यूज करते हैं जिससे कि नाउन के टाइप को लेकर हमारे जो लिसनर या रीडर है उसमें कोई कंफ्यूजन है डाउट ना हो क्या आपको लगता है कि वास्तव में कोई ऐसा लिसनर या कोई ऐसा रीडर होगा जिसको अगर हम ये नहीं बताएंगे कि फोन नॉन लिविंग है तो वो नहीं जान पाएगा नॉन लिविंग है और हो सकता है वो ये मान ले कि लिविंग फोन होगा कोई भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि फोन होते ही नॉन लिविंग है मशीन होते हैं नॉन लिविंग होते तो आप ये नॉन लिविंग एडजेक्टिव क्यों करें ये अननेसेसरी है ये लॉजिकल नहीं है ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है लेकिन ये कॉन्टेक्चुअली या लॉजिकली सही नहीं है क्योंकि हम किसी नाउन के साथ में एडजेक्टिव तब यूज करते हैं जब हमें अपने लिसनर या रीडर को ये बताना हो कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा है वैसा नहीं है तो अगर हम यहाँ पे नॉन लिविंग फोन लिख रहे हैं तो इसका हम अपने लिसनर को या रीडर को ये बताना चाह रहे हैं कि फोन नॉन लिविंग है लिविंग नहीं है आप ये बात क्यों बताओगे एवरीवन नोज इट नो नीड टू से इट इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं है जो आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो जो आप मीनिंग कन्वे कर रहे हो वो दैट इज नॉट सेंसिबल एवरीवन नोज इट ठीक गलत हो गया ग्रामेटिकली सही होने के बावजूद भी गलत हो गया अब आप इसको कैसे सही करोगे कैसे सही करोगे तो एक तो तरीका यह है कि जो आपने एडजेक्टिव यूज किया है इसको आप हटा दीजिए सीधे ऐसे लिख दीजिए माई फ्रेंड हैज अ फोन या कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज कीजिए ठीक है जिसके अलावा कोई दूसरा टाइप का एडजेक्टिव भी नाउन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ फोन को जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए माई फ्रेंड हैज़ एन आई फोन अब सारे फोन तो आईफोन नहीं होते ठीक है कुछ आईफोन होते हैं ठीक है कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं दोस्त फोन होते हैं ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते हो माई फ्रेंड हैज़ एन आई ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो माई फ्रेंड हैज़ अ कॉस्टली फोन एन एक्सपेंसिव फ़ोन क्योंकि सारे फ़ोन तो कॉस्टली एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं तो अगर आपको बताने की जो आपके फ्रेंड के पास फ़ोन है वो कॉस्टली एक्सपेंसिव है तो आप ये लिख सकते हो आप लिख सकते हो माय फ्रेंड हैज़ अ स्मार्टफोन सारे फ़ोन स्मार्टफ़ोन भी नहीं होते कुछ फीचर फोन भी होते हैं तो आप ये लिख सकते हो माई फ्रेंड हैज़ अ फीचर फोन माई फ्रेंड हैज़ अ स्मार्ट फोन इस तरीके की आप कोई चीज़ लिख सकते हैं माई फ्रेंड हैज़ एन एंड्रॉयड फोन तो कुल मिला के ये जो हमने लिखा है ये अनग्रामेटिकली आपको कैसे ना कैसे सही करना पड़ेगा ग्रामेटिकली सही बट फिर भी गलत है तो हमें यहाँ पर ये समझना है ऐसा नहीं कि हर एक सेंटेंस ग्रामर की वजह से ही गलत है कुछ सेंटेंस सिचुएशन मीनिंग लॉजिक की वजह से भी और हमें ये जो एस्पेक्ट है सेंटेंस का मीनिंग सिचुएशन लॉजिक इसको भी साथ में लेके चलना है तभी जो मैं आपको सिखाना समझू या जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ वो तभी समझ जब हम इस दूसरे एस्पेक्ट को भी साथ ही साथ अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दूसरा एस्पेक्ट है ठीक है इसको सीखने में टाइम लगेगा हमारा पूरा सिलेबस है हम पूरे सिलेबस पर कोशिश करते रहेंगे कि ये एस्पेक्ट जो है इसमें भी हम एक्सपर्टीज हमारी हो जाए ग्रामर जो होती है उसको हम याद करके रिवाइज करके ठीक है हालांकि रूल रट्टा से ग्रामर में भी क्लैरिटी नहीं आती बट थोड़ा हद तक हम रूल रट्टा और ऐसे करके भी ग्रामर में थोड़ा बहुत सही हो जाते हैं लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है इसमें आप रूल रट्टे से बिल्कुल सही नहीं हो सकते इसके लिए तो आपको हर एक सेंटेंस को एक इंडिविजुअल यूनिट ही मान के लैंग्वेज की ट्रीट करना यहाँ पर जनरलाइजेशन काम नहीं करता तो अभी क्या है कि मैंने आपके लिए ना कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऐसे यहाँ पर चूज किए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस गलत होते हैं ठीक है समझने से हमें ये पता चले तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे हो सकता है जो मैं आपको लॉजिक्स और रीजन्स बताऊँ वो कुछ आपको समझ में ना आए लेकिन आप परेशान मत होना क्योंकि अभी हम फंडामेंटल्स में पहला चैप्टर ही कंप्लीट कर रहे हैं आप ठीक है अभी आप बहुत कुछ सीखोगे आने वाली क्लासेस में आने वाले लेक्चर्स में तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कंप्लीट हो जाएगी और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा लेकिन जितना भी समझ में आ जाए ठीक है मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये अप्रोच भी काम करती है ये अप्रोच भी हमें डेवलप करनी है बस ये इंट्रोड्यूस करना आज के इस टॉपिक इस लेक्चर में ठीक है आ जाइए अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए पढ़कर समझिए और देखिए क्या ये सेंटेंसेस सही है या गलत है अच्छा दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको यहां पर अप्लाई करने हैं को जज करते समय ग्रामर और मीनिंग कि जो सेंटेंस लिखा है तो वो ग्रामेटिकली सही फॉर्म में लिखा हुआ है उसमें कोई एरर तो नहीं और अगर नहीं है तो वो जो सेंटेंस है वो जिस मीनिंग को कन्वे कर रहा है क्या वो एक सेंसिबल लॉजिकल मीनिंग और सिचुएशन है या नहीं है तो ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं सेंटेंस के है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को अप्लाई करते हुए आप इन सेंटेंसेस को एक बार देखिए सही है गलत है आप दस बीस सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपने आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं आपको समझ कर ली कोशिश आ जाइए डिस्कस करते हैं माई फादर ग्रामेटिकली सही प्रोनाउन है हम तो नेटिव केस का सब बन सकता है, सिंगुलर है तो उसके साथ हमने तो इज वर्ब लिखी वो भी सही है माई फादर जो है वो नाउन है ठीक है नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीट हो सकते हैं फादर को है सही है, है दिक्कत है, जेंडर की ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम भी है इसमें थोड़ी सी और लॉजिकल तो है ही है ठीक है? प्रॉब्लम क्या है कि जो फादर नाउन है ये मैस्कुलिन नाउन है, लेकिन जो हमने शी प्रोनाउन लिखा है ठीक है जो सिंगुलर नंबर नाउन अब हमें पता है कि जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सेम होते हैं पढ़ा पिछली क्लासेस में ठीक है हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा क्या कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं तो इस यहां पे लिंकिंग वर्ब है ठीक जी जो है वो सब्जेक्ट है माई फादर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं लेकिन ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते क्योंकि जो प्रोनाउन है वो फैमिलिन जेंडर है नाउन है वो मैस्कुलिन जेंडर है ठीक है तो अगर ये दोनों सेम है तो इनके फिर जेंडर अलग अलग कैसे तो ये है अनग्रामिटिकल लॉजिकली गलत है कि शी महिला होती है माई फादर फादर पुरुष होते हैं तो लॉजिकल तो 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 भी है अब यहां पर आप देखिए कि अगर इसकी जगह कुछ और लिखा होता इसकी जगह मान लीजिए लिखा होता नोज शी नोज माई फादर तो माई फादर ऑब्जेक्ट हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं रहता तो हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग, अलग अलग होते हैं तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो उनके जेंडर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अभी तो ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो सेम होते हैं अगर सेम होते हैं तो फिर जेंडर अलग अलग कैसे तो ये गलत है तो अगर इसकी जगह नोज लिखा होता मेट लिखा होता थैंक्ड लिखा होता तो ये सही हो जाता बट अभी ये गलत है ठीक तो ये सेंटेंस गलत है आप इसको कैसे सही कर सकते हैं तो आप समझ चुके होंगे मतलब गलत है सेंटेंस ठीक नेक्स्ट आई एम देयर विद सम अब हमें ये यह समझने गलत है तो देखिए, देयर जो पॉइंट होता है देयर का मतलब का का मतलब at this point, ठीक? Here का मतलब जहां पर स्पीकर है वो point, ठीक? अब there का मतलब जहां पर स्पीकर स्पीकर से दूर का पॉइंट तो यहां पे कोई पर्सन कह रहा है आई एम देयर विद सम कैसे होगा क्योंकि यहां पे वर्ब हमने लिखी टेंस में आई एम देयर विद सम तो इसका मतलब जिस समय इस स्पीकर इस बात को कह रहा है वो उसी समय जो उसका अपना पॉइंट है वहां पे ना होकर कि किसी दूसरे पॉइंट पे तभी देयर कह रहा है बट ऐसा कैसे पॉसिबल है वो जिस पॉइंट पे भी जाएगा वो उसका अपना पॉइंट हो जाएगा और उसको हियर यूज करना पड़ेगा उसके लिए तो देयर तो गलत यूज हो रहा है एडवर्ब तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होने के बाद में भी लॉजिकली ड मेक एनी सेंस इट ड मेक अ सेंसिबल मीनिंग इसका मीनिंग सेंसिबल नहीं तो ये गलत है अब आप इसको कैसे सही कर सकते हैं ये तो आप जानेंगे वो गलत है ठीक है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड देयर अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं इसमें आप कुछ ऐसे चेंजेस कर सक, कर दीजिए जिससे कि ये एक सेंसुअल मीनिंग कन्वे करने लग जाए लॉजिकल तो हो क्या कर सकते हैं आप टेंस चेंज कर दीजिए एम की जगह वॉज कर दीजिए आई वॉज देयर विद सम ऑफ तो सही हो जाएगा ठीक है पास्ट हो जाएगा ना कि मैं पास्ट में वहां पर था जहां पर अब नहीं हूं तो जहां पर मैं अब हूं वो हियर है लेकिन पास्ट में मैं पहले जहां था वो पॉइंट मेरे अभी वाले पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट है तो वो देयर हो गया तो अगर हम एम की जगह पर यहां पर लिख आप इसको नेगेटिव बना दीजिए तो भी ये सही हो जाएगा, I'm not there, मैं वहां नहीं हूं क्योंकि तो मैं कहां कहा हियर है तो इसका मतलब मैं देयर पॉइंट पर नहीं हूं तो आप ये लिख दीजिए आई एम नॉट देयर तो सही हो जाएगा फुल मिला के ये सेंटेंस भले, आपको देखने में सही लगा बट ये गलत है नेक्स्ट में जाते हैं दे गेव द बुक सरल अब ये सेंटेंस आप देखिए द गेब द बुक सरल गेब डाई टांसिवर में इसमें द बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, है सरल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सरल होम का रिप्लाई है द बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वट का रिप्लाई ठीक तो हमने पढ़ा था कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखें तो हमें प्रिपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती तो अगर ये सेंटेंस लिखा होता तो है द तो गेव सरल द बुक तो सही होता है गेव सरल द बुक तो सही होता है क्योंकि सरल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखो अगर प्रपोर्शन तो और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को बाद में लिखोगे तो उसका बुक टू सरल तो ये भी कुल मिला गलत है ग्रामेटिकली लॉजिकली नहीं मीनिंग के हिसाब से सही है बट ग्रामेटिकली गलत है तो ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम क्या करें या तो लिखें द गेव द बुक टू सरल या हम लिखें द गेव सरल द बुक नेक्स्ट माते हैं मतलब अभी तक तीनों सेंटेंसेस गलत ही रहे ने किसी न किसी कारण से कुछ मीनिंग की वजह से कुछ ग्रामर की वजह से कुछ और ग्रामर दोनों की वजह से ठीक है नेक्स्ट इफ यू डोंट रिसीव दिस मैसेज कॉल मी इमीडिएटली अब कोई पर्सन है सेंटेंस किसी कहा भेजा किसी को इफ यू डोंट रिसीव दिस मैसेज कॉल मी इमीडिएटली अगर ये मैसेज आपको ना मिले तो तुरंत मुझे कॉल कीजिए अब कॉल करने का मैसेज तो उसी मैसेज है ना भाई कॉल में इमीजिएटली क्या एक मैसेज है और ये कब उसको रिस्पॉन्ड करना है कॉल उसको कब करनी है जब उसको ये मैसेज ना मिले तो जो उसको करना है वो तब करना है जब उसको मैसेज ना मिले तो अगर उसको मैसेज मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे जान पाएगा उसको क्या करना तो है लॉजिकल है ग्रामेटिकली सही है ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में बट इट डजेंट मेक अ सेंसिबल मीनिंग इसका मीनिंग सेंसिबल नहीं है इट मेक्स अ नॉन सेंसिफल मीनिंग इज नॉन सेंसिफल अगर आपको ये मैसेज ना मिले तो तुरंत मुझे कॉल करो अरे भाई जब उसको मैसेज ही नहीं मिला तो वो कैसे जान पाएगा कि कॉल करने के लिए कहा गया था तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट लॉजिकली कॉन्टेक्शली नॉट सिंटेक्टली कैसे सही कर सकते हो डोंट हटा दो इफ यू रिसीव दिस मैसेज कॉल नहीं मिले नेक्स्ट देखिए दिस लॉयन टेल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ठीक है हमने लिखा दिस लॉयन टेल इस लॉयन की एक पूछ है तो so, अगर हमें ये बताना है कि दिस लाइन तो दिस लाइन क्या हो गया कि स्पेसिफिक लाइन हो गया तो मतलब एक स्पेसिफिक लाइन है उसकी पूछ है तो इसका मतलब ये निकला सारे लाइन्स की पूछ नहीं होती होगी बट एक स्पेसिफिक केस है तो हम बता रहे हैं भाई इसकी लेकिन हमें पता है कि लाइन की पूछ होना जो है वो स्पेसिफिक केस नहीं है ये जनरल है क्यों क्योंकि लाइन्स हैव टेल्स शेरों की तो पूछ होती ही है तो किसी शेर की पूछ होना कोई स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है जो आपने दिस डिटर्मिनेंट लिखकर स्पेसिफाई लाइन की बात कर रहे हो अगर लॉयंस की पूछ ना होती हो या कुछ की होती हो कुछ की ना होती हो दोनों टाइप के लॉयंस होते हैं तब तो आप ये बता सकते हो कि भाई ये वाला जो लाइन है इसकी पूछ है ये उस कैटेगरी से नहीं है जिनकी पूछ नहीं होती बट हमें पता है एवरी लाइन हैज तो ये आ, ये जो हमने लॉयन का टेल होना है ये एक जनरल लॉयंस के लिए अप्लीकेबल फैक्ट है कोई स्पेसिफिक लॉयन के लिए नहीं मतलब नहीं है तो इट डजेंट मेक अ सेंसुअल मीनिंग कि आप इस सेंटेंस को क्यों कहोगे इसका कोई सेंसुअल पर्पज समझ में नहीं आता ठीक है कॉन्टेक्स का मतलब क्या प्लेस पर्पज ठीक है पीपल टाइम ये सब लॉजिकल होना चाहिए तो यहाँ पे पर्पज इसका लॉजिकल नहीं कि आप ये बात क्यों कहोगे दिस लाइन है ठीक है सो देर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट है लॉइन तो दिस सेंटेंस डजेंट है लॉजिकल सेंस इसका लॉजिकल सेंस नहीं है तो ये गलत है अब आप इसे कैसे सही कर सकते हैं आप इसको या तो आप जनरल लाइंस के केस में इसको बना दीजिए ऐसा कॉन्टेक्स्ट बना दीजिए कि जनरल हो जाए आप लिख दीजिए हैव टेल्स। हैव अ टेल ठीक है ऐसे कर दीजिए या लिख दीजिए एवरी अ टेल दिस हटा दीजिए दिस की जगह एवरी लिख दीजिए एवरी लॉयन हैज अ टेल तो सही हो जाएगा नहीं तो दिस की जगह ए लिख दीजिए एन आर्टिकल जो होते हैं वो इंडेफिनेट नाउंस के साथ में जो जनरल सेंस में यूज हो रहे थे उनके साथ यूज किए जाते हैं लिख दो अ हैज टेल ठीक है नहीं तो एक तरीका और भी है कि दिस लॉइन जो है वो एक स्पेसिफिक लॉइन है आप इसको स्पेसिफिक इस रहने दीजिए इस सिचुएशन को भी स्पेसिफिक बना दीजिए अभी क्या है लॉइन तो स्पेसिफिक है बट सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है सिचुएशन जनरल है तो इसलिए सेंटेंस गलत हो रहा है आप सिचुएशन को भी स्पेसिफिक बना दीजिए ऐसे लिख दीजिए दिस लॉन हैज अ रादर लॉन्ग टेल दिस लॉइन हैज अ रादर शॉर्ट टेल लो मतलब कोई लाइन है उसमें कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हो गया और उसकी जो आ, मतलब लॉन्ग सॉरी उसकी जो टेल है वो ज़्यादा लंबी हो गई कंपेटिवली होती है उसके मुकाबले ज्यादा लंबी है तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया तो आप लिख दो दिस लाइन हैज़ अ रादर लॉन्ग टेल दिस लाइन हैज़ अ रादर शॉर्ट टेल तो सही हो जाएगा और नहीं तो लिखिए एवरी लाइन लॉइन टेल अभी फिलहाल में ये गलत है तो मतलब ये जितने भी हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं ये सारे गलत हैं अब यहाँ पर ये सारे जो सेंटेंसेस गलत हैं ये समझने के लिए आपको सेंटेंस पढ़ के उसको समझना पड़ा कॉन्टेक्ट समझना पड़ा सिचुएशन समझनी पड़ी जिस सिचुएशन को वो सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है केवल कोई ग्रामर का फैक्ट याद कर लेने से कोई रूल याद कर लेने से कोई बुक रट मारने से ये आप नहीं समझ पाए ठीक है सम मोर एग्जाम्पल्स यहां पर देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए ठीक है इन एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ें पढ़कर उनका स्ट्रक्चर समझें और उनका मीनिंग समझें अब फिर देखें क्या ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों तरीके से करेक्ट है एक बार अपने आप ट्राई कर लीजिए दस बीस सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करके और फिर मैं आपको ये समझा चलिए कोशिश कर ली आ जाए डिस्कस कर हमने लिखा द स्टूडेंट हैज चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड ठीक अब आप देखेंगे यहां पर हमने हैज चूजन एक वर्ब यूज किया क्योंकि हमारी फाइनाइट वर्ब है हैज ये हमारी वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट है द स्टूडेंट द स्टूडेंट हैज स्टूडेंट ने चूज किया है किसे चूज किया वो यहाँ पे नहीं मेंशन है तो पहली मिस्टेक कि अगर हमने किसी को चूज़ किया है तो कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी होगी जो चूज की गई है ठीक है तो जब आप कोई चीज़ तोड़ते हो तो कोई एक ऐसी चीज़ जरूर होती है जो टूटी होती है वही ऑब्जेक्ट बन जाती है जब आप कुछ खाते हो तो कोई चीज़ ऐसी जरूर होती है जो खाई जाती है वही ऑब्जेक्ट हो जाती है तो जब आप चूज करते हो तो कोई या कुछ ऐसा जरूर होता है जो चूज हुआ होता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है वो ऑब्जेक्ट मिसिंग एक तो सेंटेंसिंग कम ठीक है आगे बढ़ते हैं द स्टूडेंट हैज चूजन फॉर द इवेंट स्टूडेंट ने चूज किया है इवेंट के लिए किसे चूज किया वो यहां पे नहीं लिखा इज माई फ्रेंड अब हम देख रहे हैं यहां पे एक हमने इस वर्ब अलग से लिख के उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट लिख दिया माई फ्रेंड जो हमने लिख दिया माई फ्रेंड ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो वर्ब है द तो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट है हैज एक है, एक वर्ब वर्ब है है इज ठीक है और ये जो द इवेंट है वो इस इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये इस फॉर प्रिपरेशन का है। तो हम देख रहे हैं हमारा अनग्रामेटिकल है कैसे अनग्रामेटिकल है कि इसमें हमने एक वर्ब लिखी है लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं है अब कोई बच्चा ये सोचे कि हैज चूजन और इस दोनों वर्ब का हो सकता है कंपाउंड कॉमन सब्जेक्ट स्टूडेंट हो दोनों का सब्जेक्ट स्टूडेंट हो तो अगर स्टूडेंट दोनों का सब्जेक्ट है ठीक है तो इन दोनों वर्ब को आपको कंजंक्शन करना पड़ेगा होता है क्या है कि जब हम एक ही वर्ब के लिए दो अलग अलग या दो से ज्यादा वर्ब यूज करते हैं तो हमको कनेक्ट करना पड़ता है कंपाउंड प्रेडिकेट बनाना ठीक है तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन तो है नहीं तो ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल है तो मतलब गलत है अब आप इसको कैसे सही कर सकते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आए लेकिन जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा ठीक है और अभी मेरा ये पर्पस भी नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें आज आपको सिखाई दूँ मैं केवल आपके सामने ये एस्पेक्ट आज रखना चाहता था सेंटेंस का कि सेंटेंस का एक एस्पेक्ट ये भी होता है क्योंकि आज हम सेंटेंस चैप्टर को कम्प्लीट कर रहे हैं अब आने वाले चैप्टर्स में चैप्टर वाइज इंग्लिश को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये एस्पेक्ट हमें बार बार अप्लाई करते रहना पड़ेगा तो मैं बस आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था तो ये जो हमारा सेंटेंस सिक्स है ना अगर हम इसमें जो हैज चोजन है इसमें से हैज ड्रॉप कर दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा एक बार आप अपने आप देखिए द स्टूडेंट चूजन फॉर द इवेंट इज माई फ्रेंड तो अगर हम हैज चूजन में से हैज ड्रॉप कर दें हटा दें हैज को तो वो जो चूजन फॉर द इवेंट है ना वो एक फ्रेज बन जाएगी पार्टिसिपल फ्रेज ठीक और इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट हो जाएगा द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है चूजन फॉर द इवेंट एक पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी जो कि स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगी और सेंटेंस सही हो जाएगा सिंपल सेंटेंस बट अभी यह गलत तो हैज ड्रॉप करके इस सेंटेंस को सही किया जा सकता है फिलहाल में अभी यह गलत है नेक्स्ट में जाइए वी हैव गॉन टू जयपुर ये हमने सेंटेंस लिखा वी हैव गॉन टू जयपुर अब हमें समझना ये सही है गलत तो देखिए ये गलत है क्यों गलत है इसको आप ऐसे समझें अगर हम एक सेंटेंस लिखें ही हैज गॉन टू जयपुर अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसके बारे में हम ये कहें कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर ठीक है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो इस समय यहाँ नहीं है मान लीजिए हम दिल्ली में हैं ठीक है और ये जयपुर है तो अगर हम किसी पर्सन के बारे में ये कहें कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर तो इसका मतलब इस समय जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तो वो जयपुर में है क्योंकि तो ये प्रेजेंट टेंस है ना तो इसका मतलब ये एक्शन इस समय इफेक्टिव है तो ये एज़ गॉन टू जयपुर का मतलब जयपुर गया है. तो मतलब वो जयपुर में है यहाँ नहीं है ठीक है सही है अगर हम कहते हैं वी हैव गॉन टू जयपुर तो इसका मतलब हो गया कि अब हम इस समय नहीं है जयपुर में तो इसका अगर हम अपने बारे में ये बात कह दें कि वी हैव गॉन टू जयपुर तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि हम इस समय यहाँ नहीं है जयपुर में लेकिन एक चीज़ सोचो अगर हम जयपुर में हैं तो हम गो वर्क यूज़ करेंगे फिर तो हम कम वर्व यूज़ करेंगे फिर भी आप तो हम कहेंगे वी हैव कम टू जयपुर अब जयपुर आ गए ठीक है तो हमने गो वर्क तो गलत यूज़ कर रखी है होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्पीकर है कोई मूवमेंट अगर स्पीकर की पोजिशन के टूवर्ड्स हो तो ये कम है और कोई मूवमेंट अगर स्पीकर से अवे पॉइंट पे हो तो उसके लिए वर्ब गोइज यूज़ होती है तो गो का मतलब अवे कम का मतलब टुवर्ड्स तो अगर हम कह रहे हैं वी हैव गॉन टू जयपुर तो इसका मतलब हम जयपुर में हैं तो अगर हम जयपुर में, तो में हैं तो हम गो वर्ब क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जयपुर तो वो पॉइंट है जहाँ पर हम हैं तो अब तो हमें कम यूज़ करना चाहिए वी हैव कम टू जयपुर ये गलत है लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं जब हम ये नहीं समझते कि ग्रामर क्या है सिंटेक्स क्या है कॉन्टेक्स क्या है हमें कुछ नहीं पता होता तो हमें रूल रट्टे पता होता है ठीक है और ट्रांसलेशन पता होता है ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया अच्छी एक बार आदमी रूल रट्टा मार के इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ जाए दस पंद्रह परसेंट समझ में आता है ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश समझ जाए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन क्वाइट सब्जेक्टिव होता है किसी भी सेंटेंस का आप क्या मीनिंग समझोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो सब्जेक्टिव चीज है एक ही सेंटेंस अगर दस लोगों से पढ़वाया जाए और थोड़ा टेढ़ा बेड़ा सेंटेंस हो तो चांसेस हैं कि दस के दस लोग अलग अलग मीनिंग उसका निकाल के बैठ जाएंगे क्योंकि मीनिंग निकालना आपका सब्जेक्टिव है आइडिया है आपको जो समझ में आएगा वही समझ लोगे लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है सिचुएशन क्या कह रही है वर्ड्स का ऑर्डर क्या कह रहा है फ्रेजेस क्लोजेस की पोजिशन क्या कह रही है वो सब्जेक्टिव नहीं है वो ऑब्जेक्टिव होता है तो लैंग्वेज को सीखना तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी जब तक हमारी अप्रोच ऑब्जेक्टिव नहीं होगी तो रूल्स कन्फ्यूजन्स डाउट्स ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो जब हमारी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच तैयार हो जाएगी लैंग्वेज को जो तो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारी अप्रोच में ऑब्जेक्टिविटी आए तो फिर ये रूल्स और ये एक्सेप्शन और ये फ्रेजेस और ये सुपरफ्लूस बेकार की बातें हो जाती हैं और इनमें हमने ठीक है तो ये जो वी हैव है टू जयपुर हमने लिखा है तो ये इसको जो ट्रांसलेशन करके सीखने वाले लोग होते हैं ये उनको हमेशा सही लगेगा क्योंकि वो सोचते नहीं हैं समझते नहीं है मान लेते हैं उनको ये मीनिंग लगा उन्होंने वही मान लिया सही क्या है गलत क्या है ये बहुत कम लोग पता करने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो सही लगा वो सही मान लिया जो को गलत मान लेते हैं वो सही और गलत को मान लेते हैं लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो मान लेते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही क्या है गलत क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं वो समझ कर जानते हैं कुछ होता है वो मान लेते हैं जो लगा वा वा सही तो उन्होंने सही मान लिया गलत मान लिया तो ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखने वाले जो लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जो बस मान लेते हैं जो उन्हें सही लगता है वही मानते चले जाते हैं तभी उनका कोई बेस फाउंडेशन तैयार नहीं हो पाता और वो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते और कभी भी वो श्योर नहीं हो पाते हैं तो वी हैव गॉन टू जयपुर ये जो सेंटेंस है ये लॉजिकली गलत है ग्रामेटिकली एकदम सही लिखा हुआ है लॉजिकली गलत है अब आप इसको कैसे सही करोगे या तो लिखो वी हैव कम टू जयपुर ठीक है कि हम जयपुर में आ गए तो ये सही हो जाएगा नहीं तो एक तरीका और भी है मैं आपको बताऊँ अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि मान लीजिए हम जयपुर में पहुँच गए तब तो हम ये कह देंगे वी हैव कम टू जयपुर लेकिन मान लो कोई पर्सन जयपुर गया और घूम के वापस दिल्ली आ गया अब वो ये बात कैसे बताए कि वो जयपुर गया था ये ये सोच सकते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ब होती बी टू बी का मतलब इस हम इसका यूज करते हैं इसका मतलब विजिट करना तो अगर मान लीजिए आप जयपुर गए जयपुर से घूमकर आप आ गए ठीक है तो आप पता है क्या कहिए आप कहिए वी हैव बीन टू जयपुर वी हैव बीन टू जयपुर का मतलब वी हैव विजिटेड जयपुर जो कि सही हो जाएगा ठीक नेक्स्ट मानिए वन ऑफ द क्वालिटीज स्टूडेंट मस्ट पेशेंस ऑफ द क्वालिटीज दैट स्टूडेंट मस्ट हैव पेशेंस ये हमने सेंटेंस पढ़ा अब देखिए वन ऑफ द क्वालिटीज सब्जेक्ट है मस्ट है, है ठीक that a student, that conjunction है दैट स्टूडेंट दैट कंजंक्शन है एक मिनट तो ऐसे पढ़िया दैट स्टूडेंट मस्ट हैव ठीक है ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है इस सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज में सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट है मस्ट हैव जो है वो वर्ब है और ये जो दैट हमने लिखा ना कंजंक्शन है ये एक्चुअली एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो वन ऑफ द क्वालिटीज के लिए यूज किया गया है और ये हमारा उस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो दैट अ स्टूडेंट मस्ट हैव ये एक कंप्लीट सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है ठीक है अब अगर ये सबॉर्डनेटिंग क्लॉज है तो सेंटेंस में मेन क्लॉज भी होनी चाहिए क्योंकि मेन क्लॉज जो होती है वो सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज होती है आप प्रिंसिपल क्लॉज यूज करो उसके बाद में कॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखो सबॉर्डनेटिंग क्लॉज ना लिखो सही है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखो कॉर्डिनेटिंग क्लॉज ना लिखो सही है कोई दूसरी क्लॉज मत लिखो बस खत्म कर दो सिंगल क्लॉज का सेंटेंस तो भी सही है बट आप सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखो और मेन क्लॉज ना लिखो या कॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखो मेन क्लॉज ना लिखो तो ये अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्योंकि मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है सेंटेंस ठीक है अब जो हमने दैट स्टूडेंट मस्ट हैव लिखा है सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है और कंप्लीट है तो अगर ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है तो मेन क्लॉज भी होनी चाहिए अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको अगर मेन क्लॉज माने तो वन ऑफ द क्वालिटी सब्जेक्ट हो गया क्वेश्चन जो है वो उसका प्रेडिकेट होना चाहिए लेकिन प्रेडिकेट बिना मेन वर्ब के तो बनता नहीं है ठीक है यहाँ पे मेन वर्ब तो मिसिंग है तो ये अनग्रमिट ठीक है क्योंकि इसमें सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज तो कंप्लीट है बट मेन क्लॉज तो कंप्लीट ही नहीं है उसमें तो फाइनाइट वर्ब भी नहीं है ठीक है क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट का मतलब पर नहीं वन ऑफ द क्वालिटीज पेशेंस ये जो बचा हुआ पार्ट सेंटेंस कराया जाता है इसमें मेन वर्ब नहीं ये गलत है तो कुल मिला के जो सेंटेंस है ये अनग्रामेटिकल है अनग्रामेटिकल है ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ अब आप इसको सही करें कैसे सही कर सकते हैं आप मेन क्लॉज में भी कोई वर्ब यूज कर लीजिए अब जैसे पेशेंस है और वन ऑफ द क्वालिटीज है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वन ऑफ द क्वालिटीज का मतलब पेशेंस है पेशेंस का मतलब वन ऑफ द क्वालिटीज है

क्यों सही है क्योंकि नॉट अंटिल दुलिस मैन हैड लेफ्ट ठीक है ये हमारी सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है सबॉर्डनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से पहले भी लिख सकते हैं अंटिल सबॉर्डनेटिंग कंजंक्शन होता है तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई दे फेल्ट टेट इज ठीक है ये हमारी मेन क्लॉज है दे सब्जेक्ट है फेल्ट टेट इज उसका प्रेडिकेट है तो यहां पे मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों हमारी कंप्लीट है तो हमें लगेगा ये सेंटेंस सही है तो ये भी नहीं है अब ये अनग्रामेटिकल है लॉजिकली ये सही है कि भाई जब तक पुलिसमैन चला नहीं गया तब तक उन लोगों ने मतलब चैन नहीं हुआ उन लोगों को चैन तब आया जब पुलिसमैन चला गया तो मीनिंग के हिसाब से सही है ये लॉजिकल मीनिंग है लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है लॉजिकल सिचुएशन है बट ये अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक क्या है अनग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में समझिएगा जैसे हमने पढ़ा कि सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो नॉन ऑब्जेक्टिव एडवर्ब होती हैं अभी जो हमने सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है नॉट एंटिल पुलिसमैन लेफ्ट ये सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है वेन का रिप्लाई है ना जैसे हमने लिखा दे फेल्ट एट इज उन्होंने एट इज फील किया लेकिन कब किया पुलिस के जाने के बाद जब तक पुलिसमैन नहीं गया तब तक नहीं किया तो नॉट एंटिल द पुलिसमैन हैड लेफ्ट ये एडवर्ब क्लॉज है ठीक और इस एडवर्ब क्लॉज को हमने मेन क्लॉज से पहले लिख दिया और इस एडवर्ब क्लॉज को इम्फिसाइज करने के लिए हमने इसके साथ में नॉट लिख रखा है अब आप में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि जब हम किसी एडवर्ब को इम्फिसाइज करने के लिए स्पेशली जो नेगेटिव मीनिंग के एडवर्ब्स होते हैं बाकीों के साथ भी लेकिन स्पेशली जो नेगेटिव मीनिंग के एडवर्ब होते हैं जब हम कभी किसी एडवर्ब को इम्फिसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं तो उसके साथ में वो एडवर्ब जिस वर्ब का होता है उस वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ता है तो यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही प्रॉब्लम ठीक तो नॉट अनटिल द पुलिस मैन हैड लेफ्ट ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज यूज हो रही है मेन क्लॉज में लिखी गई वर्ब फेल्ट के लिए ठीक है और उसको हमने इंफिसाइज करने के लिए मेन क्लॉज से पहले लिखा है तो वो एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज की वर्ब का एडवर्ब है तो मेन क्लॉज की वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए इनवर्टेड फॉर्म का ये जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ड डिड होनी चाहिए दे से पहले और फिर यहां पे फील होना चाहिए होना चाहिए द पुलिस मैन हैड लेफ्ट डिट द फील एट इज डिड दे एक कॉन्सेप्ट है इनवर्जन को तो बताया अभी क्या डिटेल पढ़ाया जाएगा तो उसका यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इस वजह से तो या तो आप इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दो मेन क्लॉज को डिड द फील एट इज या फिर क्या करो इस एडवर्ब क्लॉज को बाद में पुट कर दो इसको ऐसे लिख दो दे पुलिस मैन हेट लेफ्ट दे डिड नॉट फील एट ईल द पुलिस में तो ऐसे लिख के सही कर तो कुल मिला के ये हमारा सेंटेंस जो है वो ये भी गलत है नेक्स्ट देखिए दिस लैंड इन दोजीशन ऑफ माई फैमिली फॉर लॉन्ग अब कोई पर्सन कह रहा है कि दिस लैंड हैज बीन इन द पोजिशन ऑफ माई फैमिली फॉर लॉन्ग ये जो लैंड है वो मेरे फैमिली के पोजिशन में है बहुत समय से बहुत अच्छी बात है मान लो कोई फैमिली है उसके पास कोई लैंड है वो ये बात बता रहे हैं तो सही है अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली सही है ग्रामेटिकली ये एकदम सही है लॉजिकली गलत है मीनिंग के एस्पेक्ट से गलत है ठीक है सेंटेंस uh, के एस्पेक्ट से सही है मतलब सेंटेक्स के एस्पेक्ट से सही है कॉन्टेक्ट के एस्पेक्ट से गलत है कॉन्टेक्सली गलत है ये जो मीनिंग कर रहा है वो मीनिंग नॉन सेंसफुल मीनिंग नहीं है क्यों नहीं मैं आपको समझाता देखिए ये हमारे पास दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं एक प्रपोजिशनल फ्रेज होती है इन दी पजेशन ऑफ ठीक है और एक प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है इन पजेशन ऑफ दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा एक में दो आर्टिकल है एक में नहीं है ठीक तो एक है इन दोनों ही फ्रेजेस होती है इन दी पजेशन ऑफ का मतलब होता है इन पजेशन ऑफ का मतलब होता है पजेस्ट, ठीक है और इन पजेशन का मतलब होता है पज सिंह उल्टा एक मिनट इन मतलब हो गया ठीक है, और इन पजेशन ऑफ का मतलब हो गया पज uh, दोनों मतलब में डिफरेंस समझ लेना ठीक है इन पजेशन ऑफ का मतलब हो गया कि जिसको किसी ने पजस्ट कर रखा हो ठीक है द मनी इज इन पजेशन ऑफ द स्मगलर की मनी जो है वो स्मगलर के पजेशन में मतलब स्मगलर के पास पैसा है ठीक है एंड आई एम इन पजेशन ऑफ द और पजेशन जो है वो मेरे पास में ना रही? तो इन पजेशन ऑफ का यूज हम, कर हम करते हैं उसके लिए जिसको किसी ने पजेस कर रखा हो अब जैसे हमने सेंटेंस लिखा दिस लैंड है ये सही है मैंने तो ध्यान नहीं दिया ठीक है द पोजेशन ऑफ लिखा और इसका सब्जेक्ट है दिस दिस लैंड लैंड मैं सोच रहा था फैमिली होगी तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है दिस ठीक है ठीक और दिस लैंड के साथ जो हमने वर्ब लिखी वो हैज बीन है और यहाँ पर इन द पोजेशन ऑफ जो है ना ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है तो ये जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसको हमने एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया है और ये यूज हुई है किसके लिए लैंड के लिए तो लैंड जो है वो पजेस्ट नहीं करेगी लैंड को पजेस्ट किया जाएगा मतलब लैंड को किसी और ने पजेस्ट कर रखा होगा लैंड को किसी ने पजेस्ट मतलब लैंड ने किसी को नहीं रखा होगा लैंड को किसी ने कर रखा होगा तो तो पैसे पैसे मीनिंग मीनिंग चाहिए, तो मीनिंग चाहिए तो ये सही मतलब हमारा लास्ट सेंटेंस जो है इतने सेंटेंसेस में से ये ही केवल सही है। बहुत लंबे अब अगर हम यहां पे इन पजेशन ऑफ लिख देते तो ये गलत हो जाता अगर हम लिख देते हैं अगर हम ऐसे लिख दें, तो इसका मतलब जाएगा कि इस family, इस land ने, इस ने, ने जमीन मेरी फैमिली को कर रखा है बहुत लंबे समय, तो गलत होता है, क्योंकि फैमिली का मतलब people, people possess lands, lands don't possess, तो ठीक है? Is correct, तो यहाँ पे समझ में मतलब जिसको किसी ने पजस कर रखा हो मैं फिर से एक बार एग्जाम्पल से बता देता हूँ ये सब हम आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे भी आर्टिकल्स वगैरह में सब पढ़ेंगे मनी इज इन दजेशन ऑफ द स्मगलर द मनी इज इन दोजेशन ऑफ द स्मगलर ठीक है तो so इसका मतलब पैसा स्मगलर के पास है एंड द पुलिस आर इन पजेशन ऑफ द स्मगलर द पुलिस आर इन पजेशन ऑफ द स्मगलर और जो स्मगलर है वो पुलिस के पास चलिए तो यह था हमारा पहला चैप्टर द सेंटेंस जो हमने इतने लेक्चर्स में जाके आज कंप्लीट किया आज हमारा लास्ट लेक्चर था द सेंटेंस चैप्टर का इस चैप्टर को आप जरूरत पड़े तो इसके बाकी जो लेक्चर्स हैं रिवाइज कीजिए तो देखिए पढ़िए और अपने जो डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं नोट करते रहिए और वो मैं आपसे डाउट्स और कन्फ्यूजन है वो आपसे मैं किस तरीके से आप भेजोगे अपने डाउट्स कन्फ्यूजन आपको बताया जाएगा और फिर उन डाउट्स कन्फ्यूजन्स को हम सबसे पहले लाइव कर फिर चैप्टर वाइज जो है वो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे पढ़ना ठीक है तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू एवरीबडी